नहीं देश के अंदर किस प्रकार से आज राइट टू हेल्थ हमने स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया आपको, जैसा मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी ने चार अधिकार दिए थे आपको, RTI का, शिक्षा का अधिकार, नरेगा का अधिकार और 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, खाद्य सामग्री का अधिकार, पार्लियामेंट के कानून बना के हमने यहाँ पर राइट टू हेल्थ कानून बन गया राजस्थान के अंदर, हमेशा के लिए राजस्थान वासियों का आराम हो गया है। पूरे साल का ख्याल राजस्थान सरकार को रखना पड़ेगा, आप सबका, प्रदेशवासियों का, इतना अहम फैसला हमने किया। महंगाई बहुत है तो बताया गया आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली जो फ्री की है, आप ऐसे अधिकांश लोगों का बिल जीरो आएगा, किसान है 15 लाख किसानों का बिल जीरो आएगा। शहरी रोजगार योजना अलग चालू कर दी हम लोगों ने, कमी कोई रखी नहीं है। हमने पेंशन 500 रुपये मिलती थी, 750 रुपये मिलती थी, 1000 रुपये कर दिए। कहने का मतलब ये है इतनी भयंकर महंगाई, राहुल गांधी की यात्रा जो थी भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे, महंगाई था, बेरोजगारी का था, आप बताइए बेरोजगारी का मुद्दा कितना भयंकर है, आबादी युवाओं की बढ़ती जा रही है, राजस्थान सरकार इतनी बड़ी रूप में जो रोजगार दे रही है, सरकारी नौकरियाँ 1.5 लाख के आसपास लग चुके हैं, 1.5 लाख के आसपास प्रोसेस चल रहा है, चलेगा, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, 1 लाख मैंने घोषणा भी और करी है, तो आप सोच सकते हैं सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। मेगा जॉब फेयर लगा रही है 100 एक साथ में राजस्थान भर में, अभी तक 10,000 लोगों को नौकरी मिल चुकी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इस प्रकार से महंगाई की बात हो, शिविर लग रहे हैं, बहुत उत्साह शिविर के अंदर लोगों को, अभी मैं पूछा शिविर में आपके यहाँ महिलाओं को, बेनिफिशियरी को, सब ने जो भावना पकड़ की उससे मुझे बहुत गर्व हुआ। हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आह्वान किया है, रिक्वेस्ट की है, आप पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाओ, सोशल सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए देश के अंदर, गरीब आदमी मध्यम क्लास का है, बुढ़ापे में तकलीफ नहीं हो उनको, इस प्रकार की सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का आपको एहसास है, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। पर मैं इतना कह सकता हूँ आज शिक्षा और स्वास्थ्य दो पे ध्यान ज़्यादा सरकार का इसलिए है, अगर मानव संसाधन बनेगा हमारे यहाँ वो आने वाली पीढ़ियों का काम भी आएगा। और 500 बच्चों को भेज रहे हैं विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, बड़ौदा के महाराजा ने अंबेडकर साहब को भेजा था विदेश पढ़ने के लिए जब वो छात्र थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप बताइए वो डॉक्टर बन के आ गए, संविधान निर्माता बन गए, इतिहास में नाम दर्ज करवा दिया। और 500 बच्चे गए, दुनिया किसी मुल्क में जाओ, पहले 200 थे, मैंने 500 कर दिए, वो जब वापस आएंगे उन्हीं में से आप देखेंगे कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कानून विज्ञ वकील बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, आपके गांव का, राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। राजस्थान का अगर छात्र आगे बढ़ता काम में होता है, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में अभी प्रतिभा झलकती आगे आती है, वो पूरे देश के काम आएगी, पूरे प्रदेश के काम आएगी, राजस्थान वाले गर्व होना चाहिए इस बात का। इस प्रकार से मैंने एक एक चीज़ को ध्यान रखा है और उसको आगे बढ़ाया है। शिक्षा में हम लोगों ने कॉलेज का जाल बिछा दिया, 70 साल में कॉलेज बने 250, हमने इन 5 साल के 5 बजट में मैंने 303 कॉलेज बना दिए, 303 कॉलेज, आपके 2 कॉलेज तो आपके राजखेड़ा राजाखेड़ा इलाके में बन गई है, आप सोच सकते हैं कि 303 कॉलेज, उसमें 130 लड़कियों के कॉलेज बनी हैं। इस प्रकार से हमारे IIT, IIM, IIIT, एम्स, सारी लॉ यूनिवर्सिटी सब कुछ आ गया राजस्थान के अंदर। अब हमारे संकल्प लेना चाहिए आप सबको, हर जाति बिरादरी कोई धर्म के व्यक्ति हो, जो शिक्षा में जोड़ देगा परिवार, वो परिवार और वो जाति आगे बढ़ेगी। इतना महत्व है शिक्षा का, इस बात का एहसास हर प्रदेशवासी को होना चाहिए।
अगर शिक्षा अच्छी मिल जाएगी पहला सुख निरोगी का आया, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे यहाँ के लोगों में टैलेंट है, बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैन में टैलेंट है, खिलाड़ियों के अंदर भी। हमारे यहाँ के लोगों ने नाम कमाया है देश में, दुनिया के अंदर। आज भी डॉक्टर मिलेंगे हजार अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर आपको। इतनी मैं कहना चाहूँगा कि सोच राजस्थान के चौमुखी विकास की है, पूरे राजस्थान का संतुलित विकास हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राज्य के जिले हैं सबका विकास हो। इसलिए मैंने 19 जिले बनाए हैं नए संतुलित बनाने के लिए, लगभग 10 लाख की आबादी के जिले बने, जिससे कि तमाम लोग दर्जी से, कलेक्टर से, एसपी से, एडीएम से, सिटी मजिस्ट्रेट से, इंजीनियर से बात कर सके जाके, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। इस प्रकार से नई तहसील बनेगी, नए एसडीओ बनेंगे, नई पंचायत समिति बनेगी। जब विकेंद्रीकरण होगा शासन का तो ज़्यादा अच्छा शासन आपको मिल पाएगा। इस सोच के साथ में हमने 19 जिले बनाए हैं, ये आपकी जानकारी के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार कोई कमी रख नहीं रही है, और मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में ये जो ERCP है, प्रधानमंत्री जी वादा निभा नहीं रहे हैं। इस बात की शिकायत मुझे प्रधानमंत्री जी से है। इसमें क्या राजनीति है, 16 परियोजनाएं देश में चल रही है, राष्ट्रीय परियोजनाएं 16, और ये 13 जिले की परियोजनाएं जिसमें टोंक भी आता है, करौली आता है, माधोपुर आता है, दूसरा आता है, धौलपुर आता है, भरतपुर आता है, अलवर आता है, जयपुर भी आता है, अजमेर भी आता है। आप बताइए मुझे, इन जिलों में पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। क्या एक योजना राजस्थान की, मंत्री राजस्थान का, जन संसाधन का, 25 आपने बना दिए MP, 25 के 25 MP हैं, ये आपके BJP के हैं, उसके बाद में भी अगर 25 लोग पैरवी करें, प्रधानमंत्री मना कर सकते हैं? जयपुर में अजमेर में खुद बोल के गए थे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, प्रधानमंत्री जी आ रहे 10 तारीख को नाथद्वारा में, मुझे मौका मिला तो मैं वापिस मांग करूंगा वहाँ पर आपके जिलों की कि किस प्रकार से ERCP लागू करो। आज हमने ये स्कीम पुरानी सरकार की थी, वसुंधरा राजे के वक्त की थी, तो मैंने बंद नहीं किया इसको, मैं चालू रख रहा हूँ। पहले मैं 9,000 करोड़ रुपये संगठन की स्टेट फंडिंग से, और मैंने बढ़ा के 13,000 कर दिए हैं। काम हमारा चालू है, नवनेरा बांध में भी काली तीर भी उसका पार्ट हो गया, हम कोई कमी रख ही नहीं रहे हैं। हमें चौमुखी विकास का सपना देखना है। हमने कहा 2030 तक आपका, हम सबका, प्रदेशवासियों का सपना होना चाहिए, अगर हम सब मेहनत करेंगे, अपने अपनी ड्यूटी निभाएंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे जहाँ भी हम लोग हैं, तो राजस्थान 2030 के अंदर देश का शिरमोर राज्य बन सकता, नंबर 1 राज्य बन सकता है, ये हमारा सपना होना चाहिए। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा एक विजन के साथ में मैंने ये बात कही है। उस वक्त पता नहीं 30 तक कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन मंत्री बनेगा, अलग बात है, क्योंकि प्रदेशवासी तय कर ले हमें राजस्थान को नंबर 1 बनाना है, तो संभव है, असंभव नहीं है। अभी देखिए आप, आर्थिक रूप से हम लोग नंबर 2 पे आ गए हैं, बार बार शानदार बजट पेश किए, विकास दिया, GDP बढ़ी, आज नंबर 2 पे, नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश देश के अंदर 11.4%, और राजस्थान है 11.04%, इतना ही फर्क है। इसका मतलब है अगर हम नंबर 2 पे आ सकते हैं आर्थिक विकास की दर में, तो हम नंबर 1 पे भी कभी आ सकते हैं। इस रूप में मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर काम करें। हमारे पद्म सिंह जी बैठे हुए हैं, लंबे समय तक इन्होंने सेवा की आपकी, इनके पिताजी हमें रहे हैं, पूरा खानदान है, पिछले 50-60 साल में कोई कमी नहीं रखी है। और रोहित बोरा ने जो आज आप सबको बुलाया, और कम समय में इतनी बड़ी मीटिंग होना बहुत मायने रखता है, ये कोई कम बात नहीं है।
बार आपने लगता है कि मूड बना लिया है सरकार को रिपीट करने का, लगता है। माई बाप आप हो तो आप करोगे। तय आपको करना है, हम क्या कह सकते हैं। तय तो माई बाप जनता बैठी हुई है, जिसको अधिकार दिया अंबेडकर ने, गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने अधिकार दिया है वोटों का। आप जो चाहते हो वो बनता है, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गांव के सरपंच भी क्यों नहीं हो, आपके वोट सरपंच बनता है, आपके वोट से ही MLA बनता है, आपके ऊपर है। पर मेरा मानना है, पिछली बार का अनुभव है, सरकार बदलती है ये बीजेपी वाले काम बंद कर देते हैं। रिफाइनरी बन रही थी राजस्थान भर के नौजवानों को काम मिलेगा, वहाँ पर बंद कर दिया, वो भी कीमत 40,000 करोड़ थी पहले। आपको जाएंगे दुख होगा, 5 साल बंद रखा काम पिछली सरकार ने, बाद में प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी ने काम शुरू किया, उसके कारण उसकी कीमत बढ़ के 70,000 करोड़ हो गई है। 30,000 करोड़ 32,000 करोड़ ज़्यादा खर्च होंगे उसके ऊपर, नुकसान किसको होगा, जनता को होगा। हम चाहते सरकार अगर रिपीट होगी, यही योजना जो बनाई हमने आपके लिए और मजबूत होगी आने वाले वक्त के अंदर, नई योजनाएँ आएगी, जनगणनाकारी योजनाएँ, चौमुखी विकास होगा, अच्छी सड़कें बदल लगी राजस्थान में, आज सड़कों को लेकर राजस्थान कोई कम नहीं है देश के अंदर, अच्छे राज्यों की श्रेणी में आता है, जहाँ शानदार नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है, मेगा हाईवेज है, गांव की सड़कें भी है, तो ये तभी विकास तेज गति से होता है। पानी जल जीवन मिशन बन रहा है, घर घर नल पहुंच रहा है, वो काम अलग चल रहा है, आधा पैसा भारत सरकार का आधा पैसा हमारा, उसके अंदर बिजली पैदा हो रही है, थोड़ा संकट भी है, कोयला नहीं आ रहा है, हम लोग संकट जूझ रहे हैं, व्यवस्था करेंगे कैसे हम लोग आपको रात पहुँचाएँ। इसलिए मैंने कहा सरकार की तरफ से कोई कमी है नहीं, आने वाले वक्त में आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन, जो आपका लगता है मुझे इस बार जिस रूप में आपने बना रखा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में राजस्थान को आगे बढ़ाने में कोई कमी रखेंगे नहीं। इस बार भी मुझे खुशी है, आज जो मैं ये जन सैलाब देख रहा हूँ आपका, जन सैलाब, मुझे खुशी है कि मैं कई बार कहता हूँ कि मैं लोग जाति के साथ बात करते पूरे देश के अंदर, जातिवाद धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, मैं कहता हूँ मजाक के अंदर लोगों को कि मेरी जाति का असेंबली में एक ही MLA है, वो जाति या सैनी कह दो, कुश्ता कह दो, मोरी कह दो, कुछ भी कह दीजिए उसको, एक MLA है और वो मुख्यमंत्री है, मैं खुद ही हूँ, एक MLA है वो खुद ही हूँ मैं, एक ही है। आप सोच सकते हो, अगर मुझे छत्तीसगढ़ कौम का आशीर्वाद नहीं मिलता तो मैं कैसे मुख्यमंत्री बनता। दलित हो, आदिवासी हो, ट्राइबल के हों, OBC के हों, जनरल हो, सब लोगों ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया, तो 3-3 बार मुख्यमंत्री बनना ये आपके आशीर्वाद के बगैर सहयोग संभव नहीं था। बीच में अभी मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे 3 MLA, आपका MLA शामिल है इसके अंदर, रोहित बोरा, चेतन डूडी जो डीडवाना का MLA अभी बैठे हैं यहाँ पर, और ये दानिश अब्रार, ये 3 अगर साथ नहीं देते मेरा टाइम पे, तो आज मैं आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा नहीं मिलता आपको। बीजेपी जो है, बीजेपी कब्जा कर रही है कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, खरीद फरोख्त करके आप कल्पना कीजिए, 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ मिलेंगे, अच्छे अच्छे MLA बिक जाते हैं, किस प्रकार 3 सरकारें चली गई हिंदुस्तान के अंदर, लोकतंत्र की हत्या कर दी इन लोगों ने, इतने खतरनाक लोग ये लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र में इनका,
खाली लोग मुखौटा पहने हुए लोग, बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। तनाव है, हिंसा है, पत्रकार लेखक साहित्यकार जेलों में बैठे हुए हैं। इस सरकार ने आलोचना सहन नहीं होती। हमारी सरकार को गिराने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया, करोड़ों रुपये खर्च किए गए, करोड़ों रुपये खर्च किए गए। ये तीन साथी थे, चेतन डूडी, दानिश अबरार और रोहित बोरा। और जब 102 विधायक इकट्ठे हुए, इसमें आपके दो विधायक और थे, गिरधार मलिंगा और खिलाड़ी बैरवा। 102 लोग थे। मुझे कहना पड़ा कि मैं आप सबका अभिभावक रहूँगा, चिंता मत करो, हम सब मिलके वापस सरकार लाएंगे, आपको जिताएंगे। अब हर MLA पर है जो मेरे कलम से हाथ लिखा था काम बजट के माध्यम से, जो मुझसे मांगा। मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, और मैंने क्या कहा, देते देते नहीं थकूंगा, मैंने वादा निभाया है। और मैंने भेदभाव नहीं किया, भूलो और माफ़ करो, जो चले गए थे हमें छोड़ के उनको मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पुरानी बातें भूलो, सब मिलके चलो। कांग्रेस इस देश के DNA के अंदर है, देश का DNA, कांग्रेस का DNA एक सा है, जो सभी धर्म सभी जाति सभी वर्गों को सभी क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर चलती है। इतने मैंने से बातें बोलने की कोशिश करी पूरी। और ये मलिंगा और खिलाड़ी बैरवा, ये भी हमारे साथ थे। बाद में हो सकता है कोई कारण नारायण हो गए होंगे, राजनीति में नारायण की चलती रहती है। तो मैं चाहूँगा नारायण भली हो, तुम्हारी मर्जी है, स्थिति ऐसी पैदा करो क्षेत्रों के अंदर, राजस्थान के अंदर। अभी हम 122 लोग हैं करीब, इंडिपेंडेंट है, हमारे BSP के साथ ही आए थे 6 लोग, वो हैं। मेरी भावना रहेगी, जो संकट आया था, कोरोना आया था, कोरोना के मुकाबले में बहुत शानदार तरीके से किया, आप सबको मालूम है। ऑक्सीजन से राजस्थान किसी को नहीं मरने दिया, हमने धर्मगुरुओं का साथ लिया, एक्टिविस्ट का, NGO का साथ लिया, आम जनता का आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मुझे कहते घर है, सबने साथ दिया, कोई भूखा नहीं सोया। उस वक्त में घरों बंद थे, तब भी हमने सबकी रक्षा करी। 35 लाख लोगों को मैंने घर बैठे को 5.5 हज़ार रुपये भेजे थे, 4-5 बार करके किस्तों के अंदर, कोई तकलीफ नहीं पाए। शानदार प्रबंधन, शानदार इलाज हुआ राजस्थान के अंदर। बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे MLA को, जिसने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको वापस। अमित शाह को 10 करोड़ दो वापस, 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे, हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा डराएगा, जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 MLA को ले गया, बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने MLA को कहा है तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ़ करो, तुमने खर्च कर दिया 1-2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूँगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को क्या करके, उनका पैसा वापस दो आप लोग, ये दबाव मेरे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका, मेरी ड्यूटी बनती है। तुमने गलती कर दी और मैंने बुरे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, राहुल गांधी ने बनाओ, सोनिया गांधी ने बनाओ, 3-3 बार बना दिया, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं पुरानी बातें भूल के सबको साथ लेके चलूँ। काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी किसी के भी, सबको साथ लेके चलूँ और जिता के लाऊँ पार्टी को, तब तो मैं समझता हूँ मेरा धर्म जो है जिताने का। और मैंने कहा मैं बचपन से ही मेरा संकल्प है सेवा करने का, मेरी अंतिम सांस तक मैं प्रदेशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। इसलिए मैंने कहा कि इस माहौल में हम चल रहे हैं,
हमें ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार से वापस सरकार बने हमारी। और मुझे उम्मीद है कि जो स्कीम उन्होंने बनाई है, महिला बैठी इतनी सारी, आपको मालूम है इन महिलाओं को मैं 1,35,00,000 मोबाइल फोन, 1,35,00,000 मोबाइल फोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में जो बांटे जाएंगे, बहुत जल्दी काम शुरू हो रहा है। राजस्थान के अंदर महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, फीजन बांटे के साथ टेलीफोन मिल नहीं रहे हैं, स्मार्टफोन होंगे, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी, तमाम चिरंजीवी योजना का जो कार्ड बनवा रहे हैं 25,00,000 वाला, उन सबको दिया जाएगा। ये बात कहता हूँ, मैंने कहा आपको कि मैं ये बहुत मुबारक मौका कि मैं आपके लोकप्रिय विधायक के क्षेत्र में आया हूँ, रोहित बोरा के, इतनी भीड़ देखी तो मेरा मन किया कि मैं आपको बताऊँ कि आपका नुमाइंदा कितना खड़ा आदमी है। अगर टाइमली मुझे सूचना नहीं देते कि गद्दारी हो रही है, सूचना नहीं देते, और मैं अगर विश्वास में आया था तो सरकारी चली जाती हमारी, कल्पना कीजिए आप, सरकार होने का सरकार नहीं होने का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। सरकार बनी हुई है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, बजट पेश कर रहा हूँ, एक से शानदार योजना ला रहा हूँ, सब तारीफ करें, पूरे कंट्री में चर्चा है राजस्थान के बजट की योजनाओं की, चर्चा पूरे देश के अंदर। मैं अभी था कर्नाटक के अंदर, पूरा मैनिफेस्टो कांग्रेस का, सारी हमारी योजनाओं को उन्होंने ग्रहण किया है। और अल्टीमेटली कभी मोदी जी को भी हमारी राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट को भी लागू करना पड़ेगा कभी न कभी, ये बड़ा बड़ा यकीन है, जनता माफ़ नहीं करेगी उनको भी। आज हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु तब बनोगे तब राजस्थान की स्कीमों को केंद्र सरकार लागू करे, तब कह सकते हो हाँ हम 21st सेंचुरी में, जो राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई, लोग समझ नहीं पाए उस वक्त जब राजीव गांधी बोलते थे, आज क्रांति हो गई, आईटी क्रांति, गवर्नेंस हमारी चल रही है, वो चल रही है आईटी बेस्ड चल रही है, बटन दबाओ डीबीटी हो जाती है, बटन दबाओ फाइल निकल जाती है, फिजिकल फाइल की जरूरत नहीं होती है, सारा काम आईटी बेस्ड शुरू हो रहा, 80,000 ई मित्र लगे हुए हैं, 600 तरह की सेवाएं दी जा रही वहां पर, ये क्रांति है, ये क्रांति है आधुनिक युग की। इतने मैंने कहा कि सरकार बचा दी, इनका मैं बहुत आभारी हूँ तीनों का, बार बार मैं कहता हूँ आपने समझदारी काम किया, पार्टी के साथ वफादारी रखी, पार्टी आपको कभी भूल नहीं सकती। मेरा बस चलता ये तीनों लड़के जो है नौजवान, तीनों मेरे साथ मंत्री बनते, मैं कहना चाहता हूँ आपको, मुझे दुख है कि मैं तीनों को, इंडिपेंडेंट साथियों को जिन्होंने मेरा साथ दिया सरकार बचाने के अंदर, 6 BSP लोगों को मेरा साथ दिया, मैं उनका, उनको कोई कई कारणों से, राजनीतिक कारण होते हैं, मैं उनको मंत्री नहीं बनवा पाया, असली हकदार वो थे जिन्होंने 102 ने मेरा साथ दिया, असली हकदार वो थे जिन्होंने मुझे, 3 MLA ने मुझे सूचित किया टाइमली के बहुत बड़ी गद्दारी होने जा रही है, हकदार वो थे जो DSP के 6 लोग थे, हकदार वो थे जो 13 लोग हमारे इंडिपेंडेंट थे, उसमें 3 लोग चले भी गए आधे अधूरे, पर बाकी लोगों ने मेरा साथ दिया, तब जाके सरकार बची है, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ दम ठोक करके सेवा कर रहा हूँ, ये भावना मेरे के अंदर है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता था, आप सब पधारे, बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार 4 सीटें हमारी धौलपुर की आप कामयाब करोगे, और हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ की MLA आपकी, ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये जो है आप देखिएगा, जिस रूप में इन्होंने हमारा साथ दिया, वो देखते रह गए आपके सारे लोग जो हैं, शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, एक बात कह करके, शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने, कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री,
उस वक्त जो है उनकी पार्टी की लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भरणी शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षडयंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था, अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी, गौरव सिंह जी की। वो मैंने कहा, तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो, जो आज बीमार है, तीन दिन ऑपरेशन हो गया वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा ने की और कैलाश मेघवाल की, इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए, क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे,